बाहर में क्या ऐसा डिसीजन? घर के बड़े हैं तो कुछ भी बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही सही है क्या? अरे कितना प्यार करता है वो हीर से, क्या क्या नहीं सह रहा वो हीर के लिए। ये जब तक अपने पे ठीक है, मैं अगर अपने पे आ गया ना तो इन दोनों को भगा कर रहूंगा, और ये दादू फाइनल है। ये फाइनल है। उम्र का तकाजा है ना, तो उम्र की तकाजे में रहे। हम जिंदा हैं, जब मर जाएंगे ना उसके बाद फैसले करी। ठंड रख, ठंड रख। जितनी नौटंकी करनी है कर ले, बस एक बात याद रखना, मैं हीर को सौम्या नहीं बनने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। प्रीतो जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हीर सौम्या जी ना बने। सौम्या जी और हरमन जी की कहानी अधूरी रह गई थी, लेकिन इनकी नहीं, ये वादा है मेरा आपसे। और हाँ, अगली बार मुझ पर हाथ मत उठाना। खून, खून आ रहा है, तुझे चोट लगी, ला पट्टी कर दो। पहले विराट की चोट साफ करके उसे पट्टी बांधो, फिर मेरे पास आना। कोई जरूरत नहीं, मरी पड़ी रही यहीं पे। वहां ऊपर बैठ के तुमने तो कितनी लव स्टोरीज देखी भी होंगी और पूरी भी की होंगी, है ना? तभी तो सुहागने तुम पर इतना भरोसा करती और इतना बड़ा करवा चौथ का फास्ट रखती। आई नो कल करवा चौथ नहीं, लेकिन मैं फिर भी करवा चौथ का फास्ट रखना चाहती हूँ, अपने विराट की सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मैं वो हर चीज करना चाहती हूँ जो मेरे विराट को बुराई से प्रोटेक्ट करेगी। अपनी लव स्टोरी पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, करोगे ना? इससे पहले कि किसी की नजर पड़ जाए मेरे फोन पर, मैं फोन ही ले लेती हूँ। हीर, हीर। हाँ? मेरा फोन दे, किसी को पता चला तो मेरी तो शामत आ जाएगी। एक मिनट। लो दादी, शर्मा दादी। हाँ बोल। वो मुझे कल करवा चौथ का व्रत रखना है। हैं? करवा चौथ? कल कोई करवा चौथ नहीं है, और ये उपवास व्रत ये सब है ना, मुहूर्त देख के रखा जाता है। ऐसे कोई भी उठ के करवा चौथ नहीं रख सकता है कभी भी। करवा चौथ रखूंगी। शर्मा दादी, दुनिया में जिस भी औरत ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा होगा ना, उसने मुहूर्त नहीं बल्कि अपनी जरूरत देखी होगी। ये चांद, करवा चौथ वाली माता रानी, ये सब तो हमें रोज देखते हैं ना। शनु दादी, वो समझेंगी विराट के लिए मेरे प्यार को। प्लीज प्लीज मुझे व्रत रखने दीजिए। करवा चौथ क्या, मैं तो वो सारी फास्ट रखना चाहती हूँ जो पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, चाहे वो वट सावित्री हो या फिर 16 सोमवार, सब कुछ। हाय रब्बा, ये किन्नार तो प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। करने दो व्रत,
मैनू की। और वैसे भी अच्छा ही हो सकता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से करवा चौथ माता इन दोनों की नजदीकियां और बढ़ा दे। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। वही तो। शनु दादी, हाँ, पर ये करवा चौथ का व्रत रखते कैसे ये तो बताओ। इसे रोकने को कहा था, यहां उठाकर लाने को नहीं। सर हम इन्हें कहां ले जाते हैं? ये तो आपके बेटे हैं। इंस्पेक्टर, अपने सीनियर्स के बारे में कुछ खबर नहीं रखते क्या? बेटा नहीं हूं मैं इनका। बताया ना आपको, अपने घर जायदाद से बेदखल कर चुके हैं ये मुझे। छोड़ो मुझे। नहीं सर, चलो। पापा जी, देवर जी को बहुत चोट आई है, कम से कम दवाई लगाकर ड्रेसिंग तो करने दीजिए प्लीज। गुरदासपुर के सारे डॉक्टर मर गए क्या? जेब में पैसे होंगे तो करा लेगा अपनी मरहम पट्टी। चलो परमित। नहीं माँ। विराट, दर्द हो रहा होगा, मलम लगाने दीजिए। आपके इस झूठे प्यार से ये सच्ची चोट ही अच्छी है माँ। कम से कम रियल लाइफ में जीना तो सिखाती है, आपकी तरह झूठे सपने नहीं दिखाती। खैर, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। गुड नाइट। अच्छी बुरी जैसे भी हो, वहां हूं मैं तेरी। तुझे इस तरह दर्द में देखकर तकलीफ होती है मुझे। कभी बेटे को बेटा समझिए तो सही माँ, वरना सारी जिंदगी डीएसपी संत बख्श सिंह की पत्नी बनकर रह जाएंगी। विराट सिंह की माँ कभी नहीं बन पाएंगी। हीर, जल्दी कर, कहीं कोई आ ना जाए। और सुन, कोई तुझे इन नए कपड़ों में देख लेगा ना तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। शनु दादी, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा। आप बस मुझे ये बताइए कि चर्गी खाने के बाद क्या होता है। देख, तुझे है ना, आज रात से लेकर कल रात तक जब तक चांद नहीं निकलता ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, पानी भी नहीं। और वैसे तो उसके बाद पति अपने पत्नी का व्रत पानी पिलाकर तोड़वाता है, लेकिन मैंने तो ये समझ नहीं आता कि विराट यहां आएगा कैसे।
दादी ये लीजिए प्लेट। शर्मा दादी आप विराट को याद से बोल दीजिएगा कि कल चांद निकलते ही वो लोगों को लेकर मेरे घर के सामने आ जाए, ठीक है? प्रीतो और हरक सिंह ने ना बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब आज मैं दिखाऊंगी सबको कि मेरे प्यार की हद कहाँ तक है। व्रत तो मैं विराट के हाथ से पानी पीकर ही खोलूंगी वरना प्यासी मर जाऊंगी। क्या बात है, इस किन्नर में तो उसके बाप से ज्यादा जुनून और पागलपन है। खैर इस पागलपन का नतीजा कल तक तो आ ही जाएगा। तुझे ऐसी जगह बंद रखूंगी जहां बाहर की दुनिया तो क्या तुझे धूप छांव तक की खबर नहीं होगी, ना हमें तेरी चीखें सुनाई देगी ना तुझे हमारी तकलीफें नजर आएगी। अब चाहे जो हो जाए मैं यहां से आज शाम को निकल कर ही रहूंगी और निकल कर यहां से कहीं भागूंगी नहीं, बल्कि यहां से निकल कर अपने विराट के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलूंगी। जो दुनिया वाले मेरे विराट को पत्थर से मार रहे थे ना उनके सामने जाके साबित करूंगी कि विराट और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विराट अब सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय पी लो। अरे किन्नरों के साथ तो जाएगी ही ना क्योंकि वो किन्नर है। और ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें दो दिन से कपड़े भी नहीं बदले। और ये दवाई, अगर दवाई नहीं लगाओगे तो घाव कैसे भरेंगे? हाँ बचपन से मैंने कभी किसी किन्नर से बात नहीं की। I'm sorry अगर किन्नर सुन के तुम्हें बुरा लगा हो तो। जानती हो बचपन में जब भी किसी शादी में किन्नरों को देखता था तो वहां से दूर भाग जाता था, लेकिन हीर की वजह से मैं आप लोगों को करीब से समझा, तब समझ आया कि सारी जिंदगी तो मैं एक मिसकंसेप्शन में जी रहा था। विराट हीर ने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वो कह रही थी कि आज चांद निकलते ही सारे मोहल्ले वालों को लेकर तुम हमारे घर आना, उसे पूरा यकीन है कि तुम आओगे और अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाओगे। और अगर तुम नहीं आ पाए तो वो प्यासी मर जाने को भी तैयार है। वो कह रही थी कि अब जो भी होगा पूरे जमाने के सामने होगा। चलती मैं भी आती हूँ। इसका मतलब हम भागेंगे नहीं क्योंकि उसके दादा दादी और मेरे माँ बाप ऐसा होने नहीं देंगे, और अगर ऐसा ना हो पाया तो जहर पीकर मर भी जाएंगे। माँ वो पड़ोस वाली चाची जी ने ना पुलाव बनाया था तो थोड़ा सा हमारे लिए भी भेजा। देखो
मैं बता रही हूँ, घर में पुलाव बने हो या कहीं अड़ोस पड़ोस आए हो, जब तक मैं पेट भर के नहीं खा लूंगी तब तक इसे कोई नहीं छुएगा। हीर, कितने मतलब ही जैसी बातें कर रही है तू। देखो बुआ, जहां तक पुलाव की बात है ना, हाँ हूँ मैं मतलबी। आप लोग मुझसे मेरी जान मांग लो कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन जब तक पुलाव मैं नहीं खा लूंगी ना, इससे कोई टच नहीं करेगा, ठीक है? इस मामले में पूरी अपने बाप पर हूँ। प्लेट में डालकर ले आ, चल जल्दी ले आ। काश हम उसे बता सकते कि वो एक किन्नर है, या माता रानी ने हमें एक आम जिंदगी दे दी होती, आम लोगों की तरह चुपचाप अपने घर में जीते, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे घर में कौन पैदा हुआ कौन नहीं। खिड़की के पास खड़े रहकर क्या कर रही है? देख रही थी प्रीतु कि तेरी ये बंद खिड़की कब तक मेरे विराट को यहाँ आने से रोक सकती। बुलाओ पसंद ना तुझे, दिल्ली लाई खाले। पसंद तो मुझे प्रीतु विराट भी है, जब तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की तो फिर ये पुलाव क्या है? ये पुलाव खिलाकर जो भी मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो वो सही नहीं हो जाएगा, नहीं खाने मुझे पुलाव। तुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या करूं ऐसा क्या कहूं जो तुझे समझ आ जाएगी? मैं कितनी बार बोलूं कि विराट के अलावा कुछ नहीं समझना मुझे, कुछ समझ आएगा भी नहीं, नहीं समझ आता विराट के अलावा कुछ मुझे। तू जा यहां से, मत समझ, पड़ी रहे इस तरह से कमरे में बंद। और एक बात याद रखी, अपनी किस्मत में ऐसी जिंदगी तू खुद लिख रही है, तू खुद, है नहीं? नूतन, तू ढंग से सब कुछ समझ गई ना? अब तू एक काम कर, जल्दी से मुझे मंदिर के पीछे वाली रोड पे मिल। हाँ, बाय।